नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं दिल्ली के विधायक, ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे। लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन चार विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्मानी चाहिए आपको।